हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। और दोस्तों फाइनली भाई लिविक में भी जो आपका मेका गॉडज़िला आ चुका है, तो भाई इसका काफी लोग इंतजार कर रहे थे। तो भाई आज ही आना था 20 तारीख को और भाई आ चुका है। और भाई इस अपडेट में जो है ना, मतलब ये जो मोड है भाई टाइटल स्ट्राइक मोड, इसमें दोस्तों ये जो मेका गॉडज़िला है मेरे को इतना खास पसंद नहीं आया। लेकिन भाई इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और मैं बताऊंगा क्यों पसंद नहीं आया। सबसे पहले रीजन तो दोस्तों यहाँ पे यही है कि लॉबी में भाई मेका गॉडज़िला नहीं आता, जो कि आना चाहिए भाई, क्योंकि भाई आप तो मजाक बना रहे हो भाई, लिविक का बेइज्जती कर रहे हो, देखा जाए गजब बेइज्जती है भाई। क्योंकि भाई लिविक में भी भाई आना चाहिए, क्योंकि शेनॉक में आया, ठीक है, आपका कॉन्ग, आपका अपना एरेंगल में गॉडज़िला आया, तो भाई यहाँ पे भी आना चाहिए ना भाई। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब फिलहाल दोस्तों दूसरी चीज जो मेरे को बेकार लगी वो ये लगी कि भाई ये जो ईस्ट पोर्ट है ना, यहाँ परमानेंट इसका एरिया भाई यहीं पर रहता है भाई, ये मूर्ति बना हुआ है, ठीक है, तो भाई हम इसके दर्शन करने जाने पड़ते हैं। तो मैं भी चल पड़ा भाई दर्शन करने। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सोलो मैच खेल रहा था, तो भाई मेरे अलावा बहुत सारे लोग जो है और दर्शन करने आ रहे थे। तो भाई ये लोग जो है प्रसाद खा लेंगे उससे पहले, मेरे से पहले, तो भाई इसलिए मैं चाहता था कि भाई मैं इनसे अच्छी लैंडिंग करूँ, फटाफट गन पकड़ूँ और इन सबको मैं अपने हाथों से प्रसाद खिला दूँ, मतलब अपनी गन से प्रसाद खिला दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो उतर जाता हूँ भाई वेयर हाउस की तरफ में, और भाई मेरे को पता था कि भाई मेरी पेटी बन जाएगी अगर मैं वहाँ उतरा मेका गॉडज़िला के पास, क्योंकि भाई बहुत सारे बंदे उतरे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अंदर आता हूँ वेयर हाउस के, मेरे को मिलती है लाल बिंदु और एक बंदा दिख जाता है मुझे सामने। तो मैं लेवल 1 का बस्ता उठाता हूँ, शॉटगन उठाता हूँ और आप देखो शॉट लगानी है, शॉट लगानी है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे इसको मारता हूँ मेरे को यहाँ पे वेक्टर ट्रैक्टर मिल जाती है और टोपा मिल जाता है लेवल 1 का, और पीछे से आते हैं कमलेश। तो भाई इसको बेचारे को मैं लूट रेवन देता हूँ, उससे पहले खत्म कर देता हूँ, लॉबी बता देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को मिल जाता है लेवल 3 का टोपा, और जैसे जैसे दोस्तों मैं आगे आता हूँ तो भाई यहाँ पे मेरे को मिल जाती है M4 द गॉड गन। मैंने कहा भाई अब तो मजा आ गया, अभी 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 तो गेम अपना है बस, अब तो भाई मैं जीत गया, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छी कोई गन ही नहीं है। अब फिलहाल दोस्तों मैं थोड़ी बहुत लूटा पार्टी करता हूँ वेयर हाउस के अंदर, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत होल्ड करना जरूरी है, बहुत सारे बंदे हैं। लेकिन भाई इतने में देखता हूँ पीछे से गाड़ी आ रही है, फिर मैंने कहा ये मेरे ऊपर तो नहीं यार, मैंने कहा नहीं ये तो साइड से जा रही है, मैंने कहा चलो भाई इग्नोर करो जाने दो। अब फिलहाल दोस्तों सामने देखो शिप में ना एक बंदा लेटा हुआ है और कह रहा है मेरे को कोई नहीं देख सकता, आज सबकी चोटी रगड़ दूंगा मैं। अब यहाँ पे दोस्तों सही में वो एक बंदे की चोटी रगड़ भी देता है, तो देखो कैसे कैम कर रहा है सामने। बेटा आज तुम मर गए, अब तुम लॉबी में जाओ। आज मैं मर गया भैया। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, जब भी आप सोलो मैच खेलते हो ना तो भाई बहुत बंदे कैम करते हैं, तो भाई आपको भी होल्ड करके खेलने पड़ता है, मुझे भी मजबूरी में कैम करना पड़ रहा था। अब फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपके सामने आप देख सकते हो भाई, ये जो मेका गॉडज़िला है भाई, ये जो है जब भी रोर करता है मतलब गुर्राता है तो भाई आपका फोन वाइब्रेट हो जाता है, ठीक है, तो मेरा तो नहीं होता है भाई, मेरे मतलब मेरे में सेटिंग ऐसी है नहीं कि मैंने वाइब्रेशन ऑन कर रखी है, लेकिन भाई आपको ऐसा लगेगा भाई भूकंप आ गया, लगता है भाई क्या आ गया भाई मेरे फोन में। अच्छा। अब फिलहाल दोस्तों एक बंदा जो है टावर पे चढ़ रहा होता है, सस्ता वाला टावर जो मतलब गॉडज़िला के पास में है, तो यहाँ दोस्तों मैं इसको इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो भाई ये कह रहा हूँ कैंपर साला, कैंपर कहीं का भाई मार गया मेरे को, ये फलाना डिंग मारा बखरा होगा मुझे। अब मैं क्या करूँ भाई, सब कैंप कर रहे थे, मुझे भी करना पड़ रहा था, सब होल्ड करके खेल रहे थे, आप देख ही सकते हो। अब पीछे से एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आता है, अब इसको मैं फिनिश करता हूँ, लेकिन पीछे क्या देखता हूँ एक कमलेश और आ रहा है फ्री का किल देने, तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं लूंगा, लूंगा भाई मैं फ्री का किल। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को मिल जाता है फ्री का किल, मैं इसकी पेटी लूटता हूँ और इसकी पेटी मिल जाती है मेरे को बैरल, तो मैं वेक्टर ट्रैक्टर को फेंक के मारता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो भाई अब थोड़ी अच्छी गन मिल गई है, बैरल मिल गई है। तो भाई अब मैं फटाफट से दोस्तों यहाँ पे एक पेप्सी लगाता हूँ और पीछे जो है ना मेरी गंदी रहती कमलेश की पेटी लूटने के लिए भी, क्योंकि भाई मेरे को पता था उसमें शायद मेरे को कमलेश की हरी वाली गोली मिल जाए, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी, लेकिन भाई वो तो मिलती नहीं, मेरे को यहाँ से मेरिंडा मिल जाती है और फटी हुई बलियान मिल जाती है लेवल 3 की। तो भाई मैंने कहा चलो वही उठा लेते हैं भाई, इससे तो बढ़िया है ना, मतलब जो लेवल 1 और 2 से फटी हुई थे, तो भाई मैंने वो उठा ली। अब यहाँ पे दोस्तों दोबारा से रोर करता है, अब मैं आपको बता दूं जब भी ये रोर करता है ना तो भाई आपका एक रेड जोन रहता है, उसके अलावा एक और रेड जोन बनता है जिसके अंदर दोस्तों आपको क्रिस्टल मिल लेते हैं, लेकिन भाई पबजी वालों ने वो स्कैम कर दिया है, वो क्रिस्टल नहीं दे रहे, जैसे कि आपको पता है शेनॉक मैप में भी बंद कर रखे हैं, तो भाई वो क्रिस्टल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उसमें भी एक हैकर वाली पावर थी, मतलब आप बंदे स्पॉट कर सकते थे अगर आपने वो क्रिस्टल ले लिया, ठीक है, इजीली। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है पबजी ने इस वाले मोड में जो है क्रिस्टल नहीं दिए, तो मैं सोचता था यार क्या हो रहा है भाई, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है भाई पबजी। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखते हैं भाई ये क्रिस्टल आते हैं नहीं आते, लेकिन फिलहाल दोस्तों सामने जो है एक बंदा था सामने, तो मैंने यहाँ पे एक बम्बानी फेंका क्योंकि मैं था अंबानी, क्योंकि मेरे पास दो दो बम थे भाई, तो मैंने ये फेंक दिया एक, मैंने कहा शायद फूट जाएगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं सोचता हूँ चल इस बार नहीं फूटा तो इस वाले बम से फूट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसके ऊपर बम फेंक रहता हूँ, देखता हूँ पीछे से गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों मेरी बैरल कब सिंगल पे होगी मुझे पता ही चला, तो भाई जैसे ही अब देखना ये बंदा आता है तो मेरे साथ क्या होता है भाई, बहुत अच्छा हो मैंने इसे हेड मार दिया वरना मुझे ये लॉबी में पहुंचाता, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं फटाफट से इसको ऑटो पे सही करता हूँ, लेकिन भाई अब देखना लालच कितनी बुरी भला है, मतलब मैच होता था यार क्या मस्त मैच जा रहा है ना भाई, 7 किल हो गया है और अब देखो ये बंदा आता है गॉडज़िला के पास भागता हुआ और इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ। अब फिलहाल दोस्तों मेरे मन में ना ये आ रहा था कि इसकी पेटी लूट लूँ, इसकी पेटी लूट लूँ बस जो मैंने पीछे मारा है, और अब देखो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने अपनी पोजीशन छोड़ी और सामने वाले बंदे ने फायदा उठाया, वो मेरे क्लोज आ जाता है। अब देखो मैं ऊपर में था, उसको पता था कि वो मेरे को इजीली मार सकता है, तो भाई मैं थोड़ा फटाफट से जाता हूँ, मतलब मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में जाता हूँ और भाई सामने वाले पास होती है उजी पूजी,
समझ रहे हो, उजी पूजी द गॉड गन भैया, मेरे को मार दिया, मैं पहुंच गया लॉबी में, खत्म। अब दोस्तों पहले वाले गेम में तो भाई मैं कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाता हूँ, ना ठीक से दर्शन कर पाता हूँ और ना ही जो है उसका रेड सर्कल जो है एक्सप्लोर कर पाता हूँ। तो भाई मैं जो दूसरा गेम लगाता हूँ और फटाफट से दोस्तों फिर से आ जाता हूँ और फिर से दोस्तों मैं यहाँ पे वेयर हाउस में कूदता हूँ, क्योंकि भाई मेरा काफ़ी सही गया था भाई वेयर हाउस में कूदने में बेस्ट। तो मैंने सोचा भाई फटाफट से जो है दोबारा से वेयर हाउस में आते हैं और भाई इस बार फिर से सेम रीप्ले होने वाला है भाई। आप देखो मेरे को शॉर्ट गन मिली और एक बंदा आया, शॉट लगानी है। भाई इसको मैंने शॉट लगाया, यहाँ से लेवल 2 का कवच उठाया और भाई लेवल 1 का टोपा उठाया, लेकिन मैंने देखा यार एक बंदा और है। अब यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो बंदा था ना भाई वो इसके ऊपर चढ़ा हुआ था, मतलब भाई वो नीचे नहीं उतरता डर के मारे, वो देखता है भाई नीचे वाला तो भाई ओम प्रकाश मिश्रा है भाई, शॉट गन लगा रहा है सबके। तो यहाँ पे दोस्तों भाई मेरे को स्कार का एल मिल जाता है, तो मैंने कहा तू नीचे तो मैं तेरे को स्कार का एल लगा दूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों वो नीचे नहीं आता भाई, और फिर मैं सोचता हूँ यार ये जो वेक्टर ट्रैक्टर है इसको भी उठा लेता हूँ भाई, ये शॉट गन का कुछ भरोसा नहीं है क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ भाई ओम प्रकाश मिश्रा का, जो पूरे मैच में शॉट गन चलाऊँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अच्छी तरीके से वेयर हाउस को लूट लेता हूँ, झाड़ू वाड़ू मार लेता हूँ उसमें, ठीक है सफाई कर देता हूँ वेयर हाउस का, और इतने में देखता हूँ एक बंदा जो है भाग रहा होता है अंदर गॉडज़िला के पीछे भाई, मतलब भाई ये जो शिप है ना इसको लूट रहा होता है। फिर मैंने कहा यार चलो वो तो भाई जो है थोड़ा काफी दूर है, पहले इसको चटकाते हैं जो ऊपर बैठा हुआ है, तो भाई मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे। तो भाई मैंने देख लिया, ये देखो ये क्रिश बन रहा है भाई ऊपर, तो मैंने कहा रुको अभी तेरे को बनाता हूँ क्रिश, अभी रुक जा तू लॉबी में जाके क्रिश बनियो भाई, रुक जा अभी तू उस कार का एल खा, और भाई ये देखो यहाँ पे बैठ रहा है, मैं इसको उस कार का एल लेता हूँ और ये लॉबी पहुंच जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इस बंदे को मार देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं इसका इंतजार करता हूँ इस शिप वाले का, क्योंकि भाई ये जो शिप वाला बंदा है ना बहुत तगड़ा कैम कर रहा था और ये मेरे को ना गॉडज़िला के पास तक जाने नहीं देगा, मुझे पता था, तो इसलिए दोस्तों मैंने जो इसका वेट करा और मैंने यहाँ पर भाई फुल कैम करा, मैंने कहा तू कैम कर रहा है तो भाई मैं भी कैम करूंगा, मता भाई तू कब तक नहीं आएगा मैं भी देखता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा 1 करोड़ साल वेट करने का मैं जाता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को थोड़े बहुत फुस्टेप आते हैं, और मैं देखता हूँ वो क्या कर रहा है भाई, ये कोबरा इसको तो किसी एंडाकोंडा ने निगल लिया भाई, खुद ही पानी में टपक जाता है भाई जाके। अब यहाँ पे दोस्तों इसको तो मैं कुछ कर नहीं पाता, तो भाई मेरे को यहाँ पे लेवल 3 का टोपा मिल जाता है और साथ में दोस्तों कमलेश की थोड़ी बहुत हरी गोली मिल जाती है, और मैंने कहा चलो अब थोड़े बहुत गॉडज़िला के पास से दर्शन कर लिए जाए, तो मैं गॉडज़िला के पास जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसके दर्शन ही कर रहा था, लेकिन मेरे को आगे से फायर आता है और फिर मैं देखता हूँ यार इधर से नहीं उधर से भी फायर आता है, ठीक है जहाँ से वेयर हाउस के पीछे साइड से, तो मैंने कहा यार यहाँ पे भी कोई बंदा है और लगता है कोई कमलेश को मार रहा है, मतलब मेरे होते हुए कोई कमलेश को कैसे मार सकता है। तो अब देखो मेरी दोस्तों कमलेश की पावर में भागते हो जाता हूँ और उसकी कैसे पिटाई करता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को उसकी पोजीशन नहीं पता थी, बस मेरे को फायर आ रहे थे, तो मैं एक आईडी के साथ जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था ताकि भाई उसको मार सकूं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा बहुत होल्ड भी करता हूँ, टीपी भी लेता हूँ कि भाई कहाँ पे, तो मुझे समझ नहीं आता वो कहाँ पे है बंदा, तो मैं सोचता हूँ यार इसको बुलाया कैसे, इसको एक्सपोज कैसे करा जाए बाहर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना भाई, आता हूँ और मैं भी इसको कमलेश वाली एक्टिंग करता हूँ, मतलब बन के, ठीक है मैं भी बॉट बन जाता हूँ इधर, और अब देखो उसको कैसे मारूंगा, मतलब इसे कमलेश मारा ना तो कमलेश का तो बदला लूंगा ना भाई मैं कमलेश बन के ही, तो अब देखो कैसे मारूंगा उसको। अब आता है देखो चुनरी स्पीड में मैं मारूंगा कमलेश, मैं मारूंगा कमलेश, और अब देखो इसको मैं कैसे मारता हूँ भाई, इतनी आसानी से मार दिया भाई, तुम्हें ये नहीं पता तुम कर क्या रहे हो गेम में, तुमने मेरा कमलेश मार दिया और बताओ शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आता हूँ इसके पास, मुझे पता था इसने अच्छा खासा भाई माल लूट लिया होगा कमलेश से, तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या देखता हूँ इसके पास भाई साहब M4 द गॉड गन और भाई यहाँ पे डीपी ढिंचक पूजा, मैंने कहा भाई यार तू तो सारे माल लेके बैठा है, काली स्प्रिंग वगैरह सब कुछ लेके बैठा है M4 की, तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको मजे से मतलब दबा के लूटता हूँ मस्त तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैं सोचता हूँ सीधा गाड़ी उठाऊंगा, क्योंकि भाई जोन आने वाला था जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को रेड सर्कल को भी जो है एक्सप्लोर करना था, तो इसलिए दोस्तों मैं इसको यहाँ पे लूट रहा होता हूँ मजे से, लेकिन भाई ये चीज़ें भी मेरे दिमाग में थी कि सबसे पहले गाड़ी उठानी है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है रेड सर्कल में जाना है, वहाँ पे जो है ऑलरेडी बंदे होंगे, मुझे पता था मेरे को बंदे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा होल्ड कराना मैंने उस बंदे को मारने के लिए, वो जो कोबरा था जो खुद ही पानी में आके डूब गया, उसके चक्कर में दोस्तों इस मैच में मेरी किल नहीं हो पाता, जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ अलाइव 8 है, मतलब उनमें से एक मैं ही हूं, तो 7 बंदे बचे थे, लेकिन मैंने देखा सर्कल जो है ना थोड़ा सा बाहर की साइड में है, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं, चलो कोई बात नहीं जाते हैं भाई उस सर्कल में, ठीक है। और आप देख सकते हो भाई जोन में ग्लिच चल रहा है भाई, जो व्हाइट सर्कल है भाई उसके अंदर ब्लू जोन दिखा रहा है, वाला पबजी के नशे अलग ही नशे चल रहे हैं भाई पबजी के, समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा था, तो भाई ग्लिच से भरा हुआ है भाई पूरा ये मैप। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को ना पीछे जो है टैक्सी दिख जाती है, मतलब अपनी ऑरेंज वाली, तो मैंने कहा चलो वही उठाते हैं और उसको उठा के चलते हैं भाई सर्कल के पास, क्योंकि भाई जोन आने वाला था
और अगर लिविक के जोन ने आपकी पप्पी ले ली तो भाई आपकी निकल जाएगी टट्टी में, सही बता रहा हूँ। तो लिविक के जोन से पंगा मत लेना भाई कभी भी। तो सर दोस्तों मैं फटाफट से इस गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी में बैठने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक कोरोना का टीका लगाता हूँ ताकि भाई अगर जोन मेरी पप्पी ले भी ले तो ज़्यादा नुकसान ना कर पाए मेरे को। और यहाँ पे दोस्तों बैठता हूँ और धूम मचाते सीधे जाता हूँ लाल वाले जोन की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जा ही रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई ये तो स्कैम हो गया भाई यहाँ से, तो ये गुटका जोन हट ही गया, मतलब ये जो सस्ता वाला गुटका जोन आया ना एक, और मतलब एक तो रेड जोन होता ही है अपना और एक ये जो नया जोन आ रहा है भाई जिसमें आपको क्रिस्टल मिलते हैं, तो वो तो क्रिस्टल मिल भी नहीं रहे, ऊपर से पबजी ने उस जोन भी हटा दिया मेरे लिए, मतलब मैं जा रहा था जब। तो दोस्तों मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैं सोचता हूँ अरे अब यार ये ब्लू जोन है कहाँ जाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा भाई ये वाइट सर्कल भाई जोन के अंदर दिखा रहा है, समझ ही जा रहा। तो दोस्तों मैं फिर भी रिस्क लेता हूँ, मैं बोलता हूँ चल उसी के अंदर जाता हूँ, ग्लिच होगा यार कुछ, तो धूम मचाते दोस्तों मैं निकल जाता हूँ सीधा जोन की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों मैं जोन में जा रहा था, मेरी गाड़ी ठुक जाती है और मैं थोड़ा सा वेट भी करता हूँ, मैं देखता हूँ अरे यार ये कुछ है हल्का सा वाइट सर्कल है, तो चलिए काम करता हूँ उसके अंदर जाता हूँ ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा यार क्या हो रहा है भाई ब्लू जोन को दिखा रहा है, लेकिन फाइल दोस्तों वहाँ पे मैं देखता हूँ एकदम से जो है रेड सर्कल बन जाता है, मतलब ठीक है वही वाला। तो मैंने कहा चलो अब इस रेड सर्कल के अंदर चलते हैं, और भाई इस रेड सर्कल में आने के बाद ना भाई आपको कितनी गंदी तरह की शोर आता है मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं इसके अंदर कुछ अलग टाइप की एक ट्यून सी आती है, और यहाँ पे दोस्तों सर्कल चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ पहले इसके अंदर क्या होता था ना, यहाँ पे आपको क्रिस्टल मिलते थे। अब आपको पता होगा भाई कॉन्ग में जब से मतलब बैन हुआ है, मतलब वो जो आपके क्रिस्टल मिलते थे, तो भाई इन्होंने इसमें भी बैन कर दिया, क्योंकि इसमें भी एक हैकर वाली पावर दी थी जिससे आप एनिमी को स्पॉट कर सकते हो ठीक है। तो भाई इस वजह से जो है यहाँ पे भी दोस्तों लोगों ने क्रिस्टल ले दिए। अब बोलते हैं सर ये पबजी वाले कि भाई कॉन्ग भी वापस लाएंगे और देखते हैं इसमें भी लाते हैं नहीं लाते, लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे आपको क्रिस्टल नहीं मिलने वाले ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सामने से फायर हो रहा होता है और सामने एक भिड़े का स्कूटर भी खड़ा होता है, मतलब भिड़े का स्कूटर है या बाइक खड़ी होती है, तो मैं सोचता हूँ यार इसको मैं मारूंगा रुको टीपी भी लेता हूँ मैं ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों वो तो आता नहीं है भाई, उस बंदे को मैं थोड़ा बहुत वेट करता हूँ, भाई जोन आने वाला था तो मैंने कहा फटाफट से भाई जोन में निकलते हैं, क्योंकि अब सिर्फ जोन में आने में सिर्फ 3 सेकंड थे, तो मैं भाई फटाफट से जोन में निकलता हूँ। और दोस्तों जोन में जाते जाते ना मेरे को एक चीज़ थी कि भाई मेरे को एक चीज़ पता थी कि आगे से फायर हो रहा है, तो मेरे को कोई ना कोई घर होल्ड करना पड़ेगा वरना भाई मेरी पेटी मिनट से पहले बन जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई कैंपर होगा जो मुझे देख लेगा। अब फिलहाल दोस्तों मेरे को सामने ये घर दिखता है, फटाफट से इस घर में आता हूँ और भाई ऊपर चल जाता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर आता हूँ तो मेरे को भाई पीछे से आती है उसकी साउंड, मतलब मॉन्स्टर ट्रक की, तो मैंने कहा भाई मॉन्स्टर ट्रक ये कहाँ है, ये कहाँ है, तो मैंने कहा चलो भाई इसको देखते हैं भाई ये कैम कर रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों रिच के पीछे था तो मुझे दिख नहीं रहा था, और ये अपना मॉन्स्टर ट्रक ले लेके साथ चल रहा था, तो अब देखने इसको मैं कैसे पीटूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसने देखा जोन बन गया, तो भाई ये मॉन्स्टर ट्रक लेके ना अपना जोन में जा रहा था, तो मैंने कहा रुक रुक तेरे को अभी पहुंचाता हूँ मैं जोन में। अब यहाँ पे दोस्तों मैं इसका पीछा करता हूँ फटाफट से भागते हुए, और मुझे दिखता है ये मॉन्स्टर ट्रक लेके सही जा रहा है, मतलब भागता हुआ जा रहा है स्पीड में, और इस बंदे ने ना मेरे को देख लिया था, देखना मेरे को कैसे फायर करेगा भाई, बड़ा सही बंदा था भाई ये। अब देखो जैसे मैं जोन की तरफ आऊंगा ना तो ये उतर के भाई मेरा वेट कर रहा था, मतलब ये मेरे से शाना था भाई, ये पहले जोन में पहुंच गया ठीक है, और मेरे को देख रहा था। अब ये देखो मेरे ऊपर फायर करता है, तो भाई मैं थोड़ा बहुत कवर लेता हुआ जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई तेरे को पीटूंगा जरूर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं तो फायर देता हूँ, अगेन देता हूँ थोड़ा बहुत हिट, और भाई अब देखना क्या होगा भाई, मेरे को लगा वो बंदा कहाँ गया, गायब हो गया मर गया क्या, तो मैं भाई रिलोड करने लग जाता हूँ भाई, फिर देखता हूँ ये तो बंदा यहीं पे आ रहे भाई, गलती हो गई, फिर मैं अपनी M4 को रिलोड करने लग जाता हूँ, और भाई इसने तो भाई मेरे को पहले ऑलमोस्ट मार ही दिया था भाई, मैंने गलती कर दी दोस्तों यहाँ पे, और अब देखो उसको कैसे मारूंगा मैं। इसको लग रहा था मैं पत्थर के चारों तरफ घूमता जाऊंगा, लेकिन भाई मैंने उसको इजीली यहाँ पे फिनिश करा, और आप देख सकते हैं भाई मैं लाल वाले जो है गुटका जोन में खड़ा हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता भाई इसके अंदर, कुछ है ही नहीं भाई, अब ये खराब है भाई ये। अब यहाँ पे दोस्तों मैं टीपी भी लेके होल्ड कर रहा हूँ कि कहाँ है लास्ट बंदा, कहाँ है लास्ट बंदा, क्योंकि भाई एकदम से ऊपर में जाऊंगा क्या पता कोई घास वास में लेटा हो नागिन बन के मेरे को मारना था, इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत होल्ड करता हूँ। और यार इस वैसे मेरे कुछ किल नहीं होते, लेकिन मैंने कहा चलो भाई सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, लाल जोन आपको मैंने दिखा दिया ठीक है, मेगा गॉडजिला मैंने आपको दिखा दिया, मेगा पेगा जो भी गॉडजिला है भाई वो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन देखते हैं यहाँ पे सामने एक बंदा आ रहा होता है, और इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज दिया ही था मैंने, और इसको दोस्तों यहाँ पे मैं इजीली फिनिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा भाई फॉलो कर लो, और मुझे बताओ भाई आप लोगों को कैसा लगा भाई ये वाला इवेंट, मतलब ये वाला जो आया है भाई ठीक है टाइटन स्ट्राइक मोड में अपडेट लिविक के अंदर, तो मुझे इतना खास नहीं लगा, क्योंकि भाई इसके क्रिस्टल भाई लाने चाहिए पबजी वालों को, तब मजा आएगा भाई खेलने में ठीक है, तो भाई इसके क्रिस्टल आ जाते तो थोड़ा ये मोड हो सकता है ठीक हो जाएगा, अदरवाइज भाई ये मोड मेरे को इतना पसंद आया नहीं। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।